चलेवन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। भाई पर टीएनएफ की बात करें तो टीएनएफ ने 34 वो जारी की गई है और वहीं पर आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सभा की बात करें तो उनकी तरफ से समर्थन जो है वो दिया गया है। इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं उनकी तरफ से समर्थन दिया गया है। इन्हीं से बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है। वहीं पर थर्ड लिस्ट की अगर बात की जाए तो ये तीसरी बार यानी कि ये तीसरी थर्ड लिस्ट है जो पूरी जानकारी नाम जो है वो पूरा साझा किया गया है टीएनएफ की तरफ से। इसको लेके इनका क्या कुछ कहना है इस पर बातचीत करेंगे। सर ये तीसरी बार थर्ड लिस्ट जो है वो निकल कर सामने आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ना हमारे एससी एसटी ओबीसी जितने भी हमारे साथी जो कश्मीर में काम करने जाते हैं इनको डिस्टर्ब किया जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है। बट जो इनके लोग हमारे इधर काम करते हैं हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बट इनको थ्रेड आते हैं, हम जब से पैदा हुए हैं आज तक हम देखे जा रहे हैं इनको थ्रेड आ रहे हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है इन पर ही होती है सारी प्रॉब्लम। बट ऐसा क्यों है ये समझ नहीं आ रहा है। जो सरकारें आती हैं कोई एक्शन नहीं लेता है, सेम टू सेम हर एक इंसान का वही हालत है। वोट डालते हैं, वोट हमारा गया पानी में, कोई हालत। जब आज इधर बैठे हैं ऐसे बैठे 6 महीने साल डेढ़ साल 2 साल बैठे रहेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इनका। तो बाकी जैसे चाइना में वो उन क्या बोल चाइनीज का जो हालत हुई है डंडे मार के भगाया गया ना, ऐसे इन लोगों को डंडे नहीं मारेंगे हम, जमीन के नीचे कुचल देंगे इन लोगों को। बहुत हो चुका है और हम आगे इनका बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हिंदू महासभा इनके साथ आगे भी थी और आज भी है और हमेशा इनके साथ रहेगी। वहीं पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि हिंदू महासभा इनको समर्थन दे रही है बातचीत करने के लिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, थर्ड लिस्ट पे थर्ड लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, वहीं पर नाम जानकारी पूरी डिटेल्स जो है वो जारी की जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये क्लियर करना चाहूँगा आपको, ये डायरेक्ट चैलेंज जो है सरकार को है, ये इनको नहीं है। अगर इस तरह से थ्रेट्स इन लोगों को दी जाती है जिनको कि पीएम पैकेज में वहाँ जॉब दी गई है, फिलहाल तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जान से बड़ा जॉब नहीं होता है, ज़िंदगी से बड़ी जॉब नहीं होती है। ये थ्रेट इनको नहीं है, सरकार को थ्रेट है। और सरकार किस हिसाब से कंट्रोल करेगी, कैसे इनको रिलोकेट करेगी, इस पर समाधान क्या निकलेगा, सरकार को इनके साथ बात करनी पड़ेगी। नहीं तो आने वाले समय में हम भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा की तरफ से गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। बहुत हो गया, 200 कुछ दिन कम नहीं होते मैडम की, 200 दिन से ये यहाँ आश्वासन पे आश्वासन। देखिए आश्वासन बंद करिए यार, ये ड्रामेबाजी बंद करिए। ये पहले भी JKSSB के समय आश्वासन, CISF के समय आश्वासन, डेली वेजर के समय आश्वासन, कितने आश्वासन लोगे आप भैया? आश्वासन का तो घर बना दोगे आप, आश्वासन नहीं चाहिए, आप रिजल्ट चाहिए और जल्द से जल्द ये जो समाधान इसका है, जो कश्मीरी पंडित जो बेचारे वहां पे टारगेट किलिंग जिनकी हो रही है, इनको सामने टेबल पे बैठा के इनके क्या मसले हैं, क्या ये चाहते हैं, और बात करें गवर्नर साहब, इनको रिलोकेट करना है रिलोकेट करें, जो भी समाधान निकलता है जल्द से जल्द समाधान निकाले, नहीं तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ सकते हैं। ये आपको लगता है कि जल्द से जल्द समाधान जो वो निकाला जाए? भाई कौन निकालेगा मुझे बताइए, अगर गवर्नर साहब नहीं बात करेंगे या उनके चीफ सेक्रेटरी बात नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बात नहीं करेगी, कौन समाधान निकालेगा? जनता ने तो आपको जिताया भाई, तो समाधान के विपक्ष के पास ये लोग जाएंगे क्या? तो कम से कम सरकार का फर्ज बनता है और सरकार को समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में आपको क्या लगता है यहाँ से रोडों पर बैठे रहेंगे। इंटरनेशनल हिंदू महासभा में इनके सामने क्लियर कर रहा हूं कि इंटरनेशनल हिंदू महासभा की जिस समय आपको जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं, अगर गवर्नर साहब को भी घेराव करना पड़ेगा हम इनके साथ खड़े हैं। वहीं पर टीआरएफ के पास पूरी जानकारी होती है, पूरी डिटेल्स होती है, तो क्या लगता है कि पूरी जानकारी डिटेल्स कहां से होती है? उनके पास क्यों नहीं होगी सर, वो सारे वहां के लोकल लोग जो आर्मी पे पत्थर मारने वाले लोग हैं वो कोई बाहर से थोड़ी आते, वो लोकल है, वो दे रहे हैं जानकारी। किसी ने अगर भारत माता की वहां जय बोला वो रात को लिस्ट दे देंगे टीआरएफ के पास कि भाई ये बंदा है यहाँ पे नौकरी कर रहा है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है। तो सरकार क्या कर रही है, जीरो टॉलरेंस हम करेंगे जी, पूरी मिलिटेंसी को खत्म करेंगे, तो जो ये टारगेट किलिंग हो रही है इसको कौन खत्म करेगा? मिलिटेंसी तो इसका मतलब है, अगर लिस्टें बन रही हैं लोगों को टारगेट करने के लिए, उनके नाम लिस्ट में डाले जा रहे हैं तो किस लिए डाले जा रहे हैं? उनको कोई प्रसाद तो मिलेगा नहीं, टारगेट किलिंग हो रही है, तो ये सरकार को देखना पड़ेगा। अब ज्यादा आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पहली लिस्ट जो है वो जारी की गई थी, क्या लगता है कि सरकार को उसी वक्त संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? मैं आपको बोल रहा हूँ मैडम कि जिस समय पीएम पैकेज में ये लोग वहाँ लगे थे उस समय से ये डिस्टर्ब थे, हर टाइम सोशल मीडिया पे दिखाया जाता था, कभी इनको थ्रेट्स दी जाती थी, कभी टारगेट किलिंग हुई वहाँ ऑफिस में जाके लोगों को मारा हुआ, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके घुस के अंदर मारा हुआ। तो आप बोल रहे हो आश्वासन की बात, आश्वासन छोड़िए रिजल्ट, और इनसे बात करिए, नहीं बात करोगे आने वाले समय में रोड पे हम इनके साथ चलेंगे, इंटरनेशनल हिंदू महासभा और घेराव गवर्नर हाउस का करेंगे, और गवर्नर साहब को इनके साथ बात करनी पड़ेगी। बस ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, बातचीत करेंगे और भी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि जो ये भी अगर इतना हमारा ये गवर्नर के हाथ में ही सारी चीज़ें सरकार के हाथ में, तो ये इनका होना चाहिए। 218 दिन से ये यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं,
तो इनके साथ हमारा आज हिंदू महासभा जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा इनके साथ है और इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा तो हम कुछ भी करने के लिए इनके साथ तैयार हैं। चाहे गवर्नर हाउस का घेरा करना पड़ेगा हमारी इंटरनेशनल में, चाहे मीटिंग करवा के, चाहे हम इनके साथ सब कुछ इनके साथ देने के लिए तैयार हैं। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। वहीं पर अलजी मनोज सिन्हा ये भी कहते हैं कि हमारे दरवाजे जो है वो आपके लिए खुले हैं, लेकिन बातचीत की जब बात आती है तो क्या लगता है आपको कि वो दरवाजे जो है क्या वो बंद हो जाते हैं? अगर चलो दरवाजे खुले हैं तो हम सब लोग चल रहे हैं अभी गवर्नर साहब के दरवाजे में जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ कितने खुले हैं। लेकिन इससे पहले भी 6 अगस्त की बात करें कि जिस तरीके से वहाँ पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, माफ कीजिएगा डेट मुझे याद नहीं है, अगस्त के महीने में ही इन्होंने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, राजभवन के सामने ये लोग बैठे थे, क्या उस वक्त अलजी मनोज सिन्हा के दरवाजे बंद हो चुके थे? क्या लगता है? देखिए कम से कम गवर्नर साहब को अभी तक इनके पास आना चाहिए था, इनसे बात करनी चाहिए थी, क्या समाधान निकलता है, क्या इनको रिलोकेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते या दूसरा उपाय कोई देख ले, कुछ ना कुछ कोई इनका समाधान, कोई लूप होल तो बीच में आपको निकालना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि टारगेट किलिंग चलती रहेगी, सरकारें भी आश्वासन देती रहेंगी और हमारे लोग मरते रहेंगे। ये हिंदुओं के साथ, इनके साथ जो कश्मीरी हमारे भाई इनके साथ पहली बार नहीं हुआ है, 90s में भी इनके साथ अत्याचार हुआ है तो अभी भी अत्याचार ही कर रहे हैं। और पीछे 70 साल से जो सरकारें रही PDP NCO वो रही, उन्होंने कश्मीर को खुश किया। अरे साहब इन्होंने आपको जिताया, सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट है, यहाँ भी आपको जिताया, उसके बाद भी इन पे अत्याचार हो रहा है और आप आश्वासन दे रहे हैं। कमाल है भाई, ये कौन सी सरकार है, क्या आश्वासन है आप लोगों के? अब आश्वासन मैडम नहीं चलेगा, अब हमें रिजल्ट चाहिए, इनसे बात करो, क्या समाधान निकलता है उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पर मैं आपको बताते चलूं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सभा की बात करें तो उनकी तरफ से समर्थन जो है वो दिया गया है और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अब बहुत हो चुका, 200 दिन से ऊपर हो चुका है, लेकिन कोई भी निवारण जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो अब अगर कोई भी रिजल्ट जो है वो निकल कर सामने नहीं आता है तो राजभवन की बात करें तो वहां पर जाके घेराव जो है वो देखने को मिलेगा। इसको लेकर आपकी क्या खुशी है, अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।